दीपू तुझे मालूम है मेरी शादी होने वाली है। किससे? किससे क्या होगी, किसी लड़के से? नहीं, मोहन चाचा की तो शादी किसी लड़की से हुई थी। लेकिन मेरी शादी तो कोई लड़के से ही होगी। बारात आएगी? हाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, दूल्हा हाथी पर होगा या घोड़े पर? जीप पर होगा। चाची जी, लाओ चाची जी जल्दी खाना दो। अरे हाथ मुझ तो धोले। चाची जी आज गीता ने क्या बनाया है? आज सब मैंने ही बनाया है। अरे दीपू आजा खा ले हमारे संग आज। नहीं, मेरी माँ डांटेगी तो? नहीं डांटेगी, मैं कह दूंगी तेरी माँ को, आजा बैठ जा। और चाची जी आज रात को नहीं आऊंगा। वो जनकपुर करके कोई गांव है ना, वहाँ इंस्पेक्शन है। अच्छा। लौटते लौटते ही रात हो जाएगी। लो खाना आ गया। जा दीपू बेटे हाथ धो। क्या जनकपुर में सुना है मेला लगा है, बताओ क्या क्या लाए मेले से, बाद में झगड़ा ना करना। मैं क्यों झगड़ा करने लगी, और कुछ लाने वाने की जरूरत भी नहीं। आहा, मन ही मन तो यही कह रही होगी कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं खुद खरीदारी करूंगी। बड़े आए मन की बात जाने वाले, मैंने तो कई बार देखा है जनकपुर का मेला, मुझे नहीं जाना है। वेरी गुड, हमें भी कहां फुर्सत मिलेगी मेले में जाने की। वैसे हम तुम्हारे लिए रेवड़ी जरूर लाएंगे। रेवड़ी लाए या मिठाई की गोली? मिठाई की गोली, खुद को अच्छी लगती होगी रेवड़ी, हम पे थोप रहे। लो खाओ, देखो नमक ठीक है या नहीं। ठीक है। अरे मैं सब्जी के बारे में कह रही हूँ, देखो तुम ही बताओ बेटा। अरे चाची जी जब आपने बनाया तो ठीक ही होगा, लेकिन अपनी लाडली बेटी को जरा खाना बनाना सिखा दीजिए। सयानी हो गई है, दो दिन में शादी हो जाएगी, तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे? देखो ना माँ फिर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे पीछे पड़कर कम से कम गाना तो सिखा दिया, कहा हमारी शुक्रगुजार होगी, उल्टा हमें ही कोस रही है। हाँ। हमें क्या, ससुराल में जब गाली खाओगी तब समझोगी कि कुछ पते की बात की थी। राम राम बहन जी, आपकी चिट्ठी बंबई की है। मीरा की ही होगी। बाबूजी एक चिट्ठी आपकी भी है, यही दे दूं? हाँ दे दो। लीजिए। गीता कल आ जाना हमारे यहाँ शाम को, और कोई अच्छा सा गुलदस्ता बना के लाओ, क्या रोज रोज वही वही फूल लाती हो। न हो तो आज शाम को जाकर हारमोनियम पे नए धुन की प्रैक्टिस कर लेना। चार लेसन्स बाकी हैं पता है। और तुम्हें कुछ याद भी रहता है, वो टिफिन कैरियर कब से पड़ा है हमारे यहाँ? आज ही लौटते समय रामजनक से लेते जाना। अच्छा मामा मैं टिफिन कैरियर ले आती हूँ, आते वक्त दीपू के यहाँ होऊंगी, बहुत दिनों से गई नहीं ना, मैं जाऊँ? अच्छा चाची जी कल रात आऊंगा, वही खीर बनाना जो उस दिन बनाई थी। सब खैरियत तो है, मीरा कैसी है? मीरा ठीक है, लेकिन क्या बात है? क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे भी? मीरा ने लिखा है कि इंजीनियर लड़का अगले सोमवार को यहाँ आ रहा है, पहले किसी काम से दिल्ली चला गया था। क्या? हाँ, गीता के लिए वो इंजीनियर लड़का सुनील यह अभी तक आया ही नहीं। हाँ? तो फिर ये कौन है? पता नहीं, मीरा ने लिखा है कि कंपनी का ही कोई ओवरसीयर वहाँ पहुँच गया होगा। हाँ? क्या कह रहे हो, तो ये सुनील किशन नहीं है? पता नहीं, नाम पूछा था इसका। ओ, नहीं। तुमसे तो सच तंग आ गई मैं। भाई हमें क्या मालूम था कि वो लड़का नहीं है। जाने कौन लड़का है, अपनी बेटी घूम रही है उसके साथ। लड़का तो ये भी अच्छा है, तुम कहो तो उसी क्या से। क्या कह रहे हो, अब खड़े क्या हो, जाओ देखो वही बंगले में गई है, जाके ले आओ उसे। और सुनो लड़के से कुछ मत कहना, गीता को ही चुपचाप ले आना। अरे सुनो तो सही,
पूरी बात बिना सुने ही चल निकले। लड़की को डांटना फटकारना मत उसके सामने, मैं गीता को समझा लूं। अरे अब खड़े क्या हो, जाओ जल्दी। अच्छा मैं चुप से गाती हूँ। सारे गा रे ग रे सारे गामा गामा गरे रे ग रे नी धा पा मा पा रे ग धा पा गामा गरे सारे गा रे गा गामा क्यों हम बा। अरे नहीं 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 नहीं, मतलब सीख गई हो लेकिन फिर इससे अच्छा हमसे नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, एक जमाना था जब दुनिया में घोड़े थे ही नहीं, सब गधे थे। फिर सिखा सिखा कर उनमें अकल डाली गई, घोड़े बनाए गए। आजकल तो बंबई कलकत्ते में घोड़ों की दौड़ भी होती है। तो क्या मैं गधा हूँ, तुम मुझे घोड़ा बना रहे हो? तुम क्यों गधा होने लगी, तुम तो गीता हो जिसे बहुत अच्छा गाना आता है और जिसे विनोद नाम का लड़का। चुप क्यों होंगे, अभी कह डालू? कहो ना। और जिसे विनोद नाम का, आइए ना चाचा जी, घर चलो गीता, तुम्हारी माँ ने बुलाया। अरे कब से कह रहा हूँ जाओ, पर जाएगी थोड़ी, अब गाना सीखना है इसे। अरे मैंने कब कहा, खुद ही तो। ये लो टिफिन कैरियर और चलो आगे बढ़ो, हमें भी जनकपुर के मेले जाना है। जनकपुर का मेला भी कोई मेला होता है? दुनिया भर की गाय बैलों का जमघट। गीता अरे टिफिन कैरियर, ठहरे चाचा जी मैं जीप में पहुंचा देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं, मुझे रास्ते में कुछ काम है, चल गीता। गीता अब तुझे उस बंगले में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं जाऊंगी। अच्छा उस लड़के ने कुछ, उसका नाम क्या है मालूम है? उसका नाम देखो तो माँ, कितना चालाक है, मेरा और दीपू का नाम तो पूछ लिया, अपना नाम तो बताया नहीं। मैं कल पूछ कर बताऊंगी। हाँ रहने दे, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। गीता ये लड़का वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है माँ, तुम जाके सो जाओ। अरे ये वो इंजीनियर नहीं है जिसे यहाँ आना था? किसे यहाँ आना था? जिसके बारे में मीरा ने लिखा था। फिर ये कौन है? क्या पता, है कोई ओवरसियर। मीरा की चिट्ठी आई है, वो इंजीनियर लड़का सोमवार को आ रहा है, परसों। उस इंजीनियर का नाम सुनील किशन है, मीरा ने भी उसी लड़के के बारे में लिखा है, तेरे पिताजी भी उसी लड़के पर आस लगाए बैठे हैं, तेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, बस हम सब वही तो चाहते हैं। इसीलिए बेटी जो होना था सो हो गया, अब कल से न जाना वहां। नहीं माँ, अभी गाने के कई लेसन्स बाकी हैं। कैसा गाना? वो मुझे गाना सिखा रहा है और हारमोनियम भी। अब तुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं वो बहुत अच्छी तरह सिखाता है। नहीं गीता, अब तुझे एक दिन के लिए भी उसे मिलने की जरूरत नहीं है। परसों सुनील किशन आ रहा है, वो क्या समझेगा? क्या समझेगा? ओहो पता नहीं तुझे कब अकल आएगी, अब मैं जो कहती हूँ सो करना। इंजीनियर साहब आ रहे हैं इस गाड़ी। अच्छा से। आप किससे मिलने आए हैं? मैं अच्छा चाचा जी मैं जरा फर्स्ट क्लास की तरफ जाता हूँ। अच्छा गुड इवनिंग सर। हेलो विनोद, मेरी रिपोर्ट तो मिली गई। यस लगता है यहाँ का काम ठीक ही चल रहा है। बिल्कुल आप, अरे ये हैं चाचा जी यानी यहाँ के हेडमास्टर चौधरी जी,
इन्हीं की मदद से एक फर्स्ट क्लास बंगला हमें मिला। अरे तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो, चलो सामान उठाओ। चाचा जी मैं शाम को आ जाऊंगा, आइए। हेडमास्टर साहब हमारे साथ ही हैं, बंबई के मीरा जी के पिताजी लगते हैं। अरे हाँ चाचा जी, तबीयत ठीक है ना?